हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है और कैल्क में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा। अब ये डेटा जो आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसा ही सेम डेटा मैंने शीट टू पे भी रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगी हुई है। अब करना क्या है हमें, हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग को ही कॉपी करना चाहते हैं। तो फॉर्मेटिंग कॉपी करने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे ये कॉपी होगी फॉर्मेटिंग, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, मतलब वैल्यूज नहीं कॉपी करनी, सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी होगी कैसे, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यहां पर आपको फॉर्मेट प्रिंटर का एक ब्रश दिया हुआ है, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्मेट हो जाएगा कॉपी। अब यहां पर आइए और इस ब्रश को इसी पर चला भर दीजिए आप, ठीक है। जैसे ही चलाएंगे तो देखेंगे कि सेम फॉर्मेट इस पे अप्लाई हुआ है, नंबर्स नहीं चेंज हुए लेकिन फॉर्मेट अप्लाई हो गया। ये होता है फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। और इसको लीब्रा कैल्क में नाम दिया गया है क्लोन फॉर्मेटिंग। इसके बारे में वीडियोस मैंने पहले भी क्रिएट किए हैं, लेकिन कंफ्यूजन थी हमारे स्टूडेंट को तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो इसे कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटर यानी कि क्लोन फॉर्मेटिंग, दोनों एक ही है। एक्सेल में आप इसे फॉर्मेट प्रिंटर बोलते हैं, एमएस वर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर बोलते हैं, और यहां पर इसे क्लोन फॉर्मेटिंग बोला जाता है। तो जैसे ही कर्सर को यहां लेके जाएंगे तो यहां पर लिखेगा क्लोन फॉर्मेटिंग, ठीक है।